सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा कल मैंने माया में बताया था कि कुल जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य ने ये रुझान आ जाता है और उसको तड़पाता कि वो सत्य को ही खोजे, असत्य से घबराने और असत्य को देख लिया और सोचता है कि कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्या जहां मैं सत्य के ही खड़ा हूं। सत्य की अपनी महान शक्ति, इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सत्ता या दूसरों से आप नाराज या दूसरों के प्रति ना कर। बहुत से लोग शक्ति का अर्थ नहीं सोचते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास शक्ति आ जाए तो वो जिसे चाहे मार सकता, जिसे चाहे रोक सकता, जिसे चाहे उस पर वो हावी हो। ये शक्ति प्रेम की, यहाँ मैं आपसे प्रेम की बात कर रहा हूँ। आज तक हमने कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं, हमेशा इंसान सोचता है कि जब तक देश की भावना जगाई नहीं जाएगी कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, कोई सभी कार्य नहीं हो सकता और कुछ भी ठीक नहीं है। किंतु सहज योग एक ऐसा मीठा आंदोलन है कि जो प्रेम के आकाश रास्ता है और प्रेम की नदियों में झूमता है। अब आपको तो ज्ञात हो गया होगा कि जो लोग समझ में आए हैं एक मत कबीरदास जी ने कहा है कि जब मत हुए कि क्या हुए, ऐसी बस्ती में आ गया तब क्या बोले उसकी समझ नहीं आता क्या बोले। और सामने वाले अगर पत्थर जैसे हैं तो उनके सामने बोलने से फायदा भी क्या, वो जमाना भी ऐसा है। उस जमाने में कोई इतने लोग आप सोचिए गाजियाबाद में आ सकते, गाजियाबाद तो सुनते ऐसे ही बड़ा मशहूर है कि यहाँ दंगलबाजी बहुत है और यहाँ बहुत लोग बातचीत करते हैं बातचीत करते हैं। वहां इतने सत्य को खोलने वाले बैठे हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता। मेरे लिए तो यही बड़े आनंद की बात, वो पता मेरे पति मेरे से थे कैरेक्टर, जब हमारा तबादला हुआ तो हमारी ट्रेन गाजियाबाद और गाजियाबाद से उसने ट्रेन में बैठा। तो जब मैं उसके ट्रेन में उसके डिब्बे में घुसी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या वो तरफ उन्होंने गुलाब से पूछा है, जमीन पर भी और ऊपर गाजियाबाद के लोगों के लिए तो मैंने कोई खास बात नहीं किया था, हर एक मिनट में मुस्कान किया, लेकिन इतना प्यार पता नहीं उनको कैसे कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं। तो हमारे साथीदार की इसके लिए कर तो उस वक्त उसका मुझे मेघ साफ है तो कह रहे कि मेघ साफ के लिए है तो उनका आपको कह रहा था पहले हमें पता होगा तो पूछ रहा और बोली की ट्रेन जब हो गई है तो वहां जितने हमारे वो लड़ने लगे कि हम इतना सामान उठाए हम इतना सामान खाए हम ये घूम ले
इतनी लड़ाई हो गई है कि लोग एक दूसरे को इतनों को जाए सामान और खा लेते हैं इंसान जो है नहीं करती ना एक प्लेटफॉर्म के बीच में भी हमारा जो सब लोग फूल निकाले वो पूरी नहीं करता तो वो तो समझ ही है इनको क्या रहा इनका अच्छा है बात हम इतना सामान बता रहे सची सब सामान अब हम आपसे पैसा लेते भावना ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना प्यार संसार में है ये प्यार की महिमा इसकी महिमा जितनी गाई जाए और इस प्यार की ही महिमा सारे साधु संतों सारे ही अवसरों में सब ने एक प्यार की महिमा कर क्योंकि प्यार ही सत्य है और सत्य ही प्यार इसका कारण ये है कि अभी तक हमने अपने को जाना जब गर्मी के जागरण के प्रकाश से हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ रहा है हमारा चित्त आलोकित होगा कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि हमारा चित्त तो कल्याण होता है स्वभाव होता है स्वभाव और ये चित्त में इतना प्रकाश आ जाता है कि ये जहां भी जाता है वहां कार्यान्वित होता है जैसे कि आप टेलीविजन देख सकते हैं ठीक है तो कहीं कोई नाटक कर रहा है तो वो टेलीविजन का कार्यक्रम आप देख सकते हैं ऐसे नहीं तो जो नाटक कर रहे हैं वो बस टेलीविजन में आ रहे और उसके बाहर निकल करके काम करना शुरू कर आप क्या करिए इसी प्रकार ये हमारा जब आलोकित होता है तो ये जब कहीं पहुंचता है तो इसमें से कर निकल करके कार्य ऐसे ऐसे चमत्कारों के बाद लोग मुझे बताते कि वहां ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया अरे भाई तू परमात्मा से साम्राज्य गया ये साम्राज्य ऐसा वैसा साम्राज्य है ये लोग बहुत ही चतुर और कोई भी काम में बड़ा तत्पर बहुत जैसे कि हनुमान जी अपने काम की सेवा में तत्पर वैसे ही ये परम चैतन्य आप की सेवा में करता बस इसमें समा है आपको कह दिया हमने क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए अब ये सोचिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और आप अपने को बड़ा महान समझने लगे इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो नम्रता का आप लोग करते हैं शालीनता का मतलब करते हैं और आपके शब्दों से खून करने चाहिए आपकी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि ये क्या प्रेम की मूर्ति हमारे सामने खड़ी ये हो सकता और हुआ है हजारों में हुआ है ऐसे ऐसे देशों में हुआ है कि जहां लोग शुद्ध प्यार जानते ही है इनको नैतिकता का कोई मतलब ही मालूम जब ऐसे देशों में हो गया तो अपने भारतवर्ष में जब ये बात हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं किंतु मैंने इतना सोचा नहीं था इतने जल्दी इस गाजियाबाद में भी इतने लोग सच की ओर आए धन्यवाद मेरे और आप लोगों को भी भाग्य है जो आप ऐसे कतार में बैठे जहां पर हर तरह की हिंसा दूसरा आदि चारों तरफ से
और वहां पर मेरा धर्म स्थापित होता है। तो जो ये जो काली विद्याएं है और ये जो गंदे विचार है और मेरी कारनामे नष्ट करने के हैं सब खत्म है, इसमें मुझे कोई शक पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरण। पहले मैंने बताया कि आप अपने को कुछ भी कहें ईसाई मुसलमान हिंदू और सिख या कोई भी आप हैं जमाने जमा कर हर एक तरह का पाप आप कर सकते हैं, हर एक तरह का गलत काम आप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज है जो आपको छो नहीं पाए और आपको न डर है और न ही उसके आत्मविश्वास है। तब भी जब ऐसी बात है तो कोई सोचेगा कि माँ क्या हम तो है तो ऐसे कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर 10 धन जागो और ये 10 धन जो है जो हमारे यहाँ आयरन मेकर कमांडमेंट करके कह रहे हैं और गांधी जी ने भी इसको एक उन्होंने तो 11 व्रत बताए थे उसमें का एक व्रत उन्होंने स्वदेशी लेकिन गहनता से इसको कि अगर कोई कहे कि तू सच हो ये तो बोल नहीं सकता। आजकल के जमाने में अगर आप सच बोले तो गए काम से समझ लीजिए कोई आदमी आपको बार बार फोन करता है आपको से बात नहीं करता तो आप अगर कहें उससे कि हाँ ये क्या बात है एक घंटा आपका खा रहे तो अब ऐसे पागल आदमी से कैसे बच सके। तो लोग कह रहे थे कि कहते कि मैं घर में नहीं है ये एक अंधकार लेकिन ये श्लोक है कारण श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। पहले ही कहा जाता था कि सत्य अधिक प्रियम सत्य बोलो और प्रिय लोगों ने कहा ये बैठ नहीं सकता बहुत सा सत्य इतना बदु सत्य होता है कि देखो वो प्रिय हो ही नहीं सकता वो प्रिय कैसे तब कृष्ण ने कहा सत्य गुरु सम गुरु नियम इसका मतलब यह है कि जो आप बोलेंगे वो हितकारी आपके आत्मा के लिए हितकारी है। तो अगर आपने उस वक्त कोई चीज सत्य बात करी सुन ली उस वक्त वो आदमी शायद महसूस करे गलत पर उसके बाद जब वो देखेगा कि इससे मेरा हितम हो गया तो वो इसे बहुत स्वीकार उसी बात ये कि जैसे किसी ने फोन किया वो अभी आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं क्या समझ लीजिए उससे एक गहरी बात तो ये आदमी की क्या फोन करने आया और आप जानते हो आदमी था सवाल से पूछा होगा क्या आप मुझसे बताना चाहिए उनमें उसका कृष्ण ने कहा कि उसको अधिकार मिला अनधिकार अनधिकार वो पूछ रहा है उसको जरूरत नहीं कि आप उसको जवाब दे आप चाहे तो नहीं भी कह सकते और आप कह सकते कि चले जाओ जो चाहे कह सकते हैं उसको उस आदमी का कपड़ा बताने की आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ कर दिया पर ये तो सिर्फ बोलने का सत्य जो बोला जाता है वो सत्य कहते सत्य बहुत बड़ी इसका एक अर्थ नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं जो चाहे बोले इसको चाहे जो बोले सत्य बात ये है कि पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ रखें और अपनी मोर मोर से देखना चाहिए कि हमें कितनी सच्चाई हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे हैं। बहुत से लोग संजोग में भी आए हैं मैंने देखा तो भी अभी उनमें बहुत कुछ फर्क होने का अभी उनको बहुत कुछ पाने का और जब वो अपनी ओर मोर के देखेंगे कि देखिए अभी मैं ये गलत काम करता हूँ अभी मैं ध्यान नहीं करता हूँ अभी मैं लोगों को बिगड़ता हूँ अभी मैं नाराज होता हूँ और बहुत से और काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए जो मैं संयोगी है पहले मुझे परिपक्व संयोगी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है सर आपको सत्य प्राप्त करना क्योंकि सत्य आपके जीवन में
आपके आचार विचार आपके जो कुछ भी तत्व सारे तत्वों में समान है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ भाषा, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बनी हुई एक अनुभूति, और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का किस्सा लीजिए कि एक वेश्या को बहुत लोग पत्थर मारे थे, जो वेश्या को ईसा मसीह ने जा करके देखिए उनका वेश्या से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र था, लेकिन उन्होंने जाकर उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप में से ऐसा हो इसने कोई पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर था, तो सभी पत्थर नीचे। इसके लिए एक बड़ा धन पवित्र, वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने सभी तो पाप किए, उस पवित्र आत्मा को हम क्यों पत्थर चला। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, एक ऊंचा फल मनुष्य को प्राप्त होता है, तो उसके रोम रोम से सत्य प्रकट और वो सत्य प्रेम स्वरूप और वो सोच किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से समझ लीजिए। कोई इंसान को देखना है बहुत खराब और उस अपने नष्ट ले जा रहा है, जीवन बर्बाद कर समाज कर, तो ऐसा आदमी क्या करके और उसके सामने अगर खड़ा भी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है, उस पर नहीं बदले तो फिर वो शक्ति से भी उसे समझा, उस पर भी ना बदले उसे क्या, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्य है और वो शक्ति जो देव की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के बात सके। सब कुछ आनंद और सुख शोभा और सब कुछ प्यार से ही लाभित होता है, जैसे कि पत्थर के सब पेड़ हरे हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी प्रेम के पत्थर से हरा होता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य सिर्फ खुशी है, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम वही उसको जो कुछ करना हो उसको जो कुछ भी करना है वो शांत रूप से, ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर हो। मैं चाहती हूँ कि गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति है, जो ये गाजियाबाद का बदनाम है जमाने से उसका नाम होगा और दुनिया सोचे क्या बढ़िया जगह बनी ये गाजियाबाद, यहाँ की कितनी गंदगी थी वो सब। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे, अब उनमें से न जाने कितने लोग जीवित होंगे, और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आज यहाँ साथ में प्यार दिया, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार हरे की और प्यार की दृष्टि से, इस प्यार में शुद्धता उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये प्यार इसको किया तो ये गया है। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत इंसान और दूसरे लोग दुष्कर्म करते हैं, जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला पड़ा और बच्चा बिगड़ता है तो उसे कहना उसको बताना चाहिए कि गलत काम नहीं उसका कर दो, उसमें कोई डरने की बात नहीं, उसका कर तो नहीं ये भी वो प्यार ही नहीं कर, पर अगर वो अंधे प्यार में हो जाएगी तो बच्चे का खतरा ना। इसी प्रकार हमने देखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह से आए गलत चीजों को प्यार, अब जैसे हम
फलाने हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना। धर्म को प्यार की तरह करते हैं तो बेहतर आप धर्म को प्यार, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसे सिखाया जा रहा है धर्म में आप लड़ो। अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर का नजर करें और देखें कि क्या मैं स्वयं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म लगा हुआ, क्या मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा। तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैंने धर्म पे चल रहा और को अपने साथ नसीब रहा हूँ। इसी तरह आज हमारे देश में आप एक रियायत को बहुत कष्ट अलग कर कहा कि ये सब चीज शुरू हो गया और हम तो सोच लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद बहुत अच्छे काम लाभ सुंदर होगा, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक देश है ये लोगों को। पर देखा जी गया कि लोग काफी कर बताया था लोगों को मनुष्य रखने में बैठे सत्ता पहले सत्ता पहले सत्ता तो जमींदार थे, कोई राजा होते थे, वो कुछ भी राजा के यहाँ समय करके जाते थे और सत्ता प्रतिष्ठा की थी। और अब मनुष्य सोचता है कि बैठे से जो जाए और बैठे से हम ले जाए लोगों को जो हम करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास अब ये सोचा नहीं कि ये खास चीज कली कली में इसे ये कहते कि ये घोर कली होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है पैसे की और इसकी गलती इतनी है कि वो बाद में आकर आपसे एक आपको उदाहरण बताए। एक डॉक्टर साहब थे और वो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा जब तक वो पेशेंट बैठा न रखे अंत में ये हुआ ये बहुत इकट्ठा होने के बाद में उसकी लड़की एक दिन बीमार हो तो वो एक दूसरे डॉक्टर ₹2,000 आपने मेरे बाप में ऑपरेशन नहीं किया और मर गए तो लाखों रुपए खर्च करने पर भी क्या मेरे बाप वापस आ गए। वो तो आपके मन में छोटे और अब आप जाने के लिए आपकी ऐसी ऑपरेशन करो जब आप सारी प्रॉपर्टी में नहीं तब मैं लड़की का ऑपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ तो हुआ एक तो इसे दूसरों को दबोचते और खत्म करते हैं उसका बहुत ज्यादा उल्टा परिणाम। जैसे आप देखिए जर्मनी रूस और ये पैसों के लिए लोग बहुत हमें इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए उसी माहौल को खड़ा इस तरह की दुष्टता से ही राक्षस बने और उसने कहा कि क्या मैं इन सबको मार इनको कुछ नहीं कर बैठ जनरल मारो ये करो ये दुष्ट काम उन्होंने करे। उसका क्या मतलब कि एक तरह से अंदर से विद्वेश तैयार हुआ और उस विद्वेश को उन्होंने इस तरह से बनाया कि मैंने लोगों को मारा। इसलिए देश से देश
जितना आप पेश बढ़ाएंगे उतना ही पेश तैयार होगा और वही आकर के आपको मारे। बेहतर यह है हमेशा कि आप पेश और पेश से रहे और प्रेम का ही दीजिए, उसमें आप प्रयोग करें। अगर आप जरूरी है तो आपको पता होगा कि आप बहुत पूरी तरह बिल्कुल संभाले गए, आपका पूरा संरक्षण किया गया। इसी तरह से कोई आपको संभाले और सब नहीं अभी आपको दिल्ली में कितना हुआ चाहे अपने माँ बाप के पास रहती है उसके पति कारण से वो चोट हो और वो इतने जबरदस्त चोट थे कि उन्होंने दस तोड़ी और अंदर देखा कि दो आदमी घुस के आने से ऐसे थोड़ी चोट नहीं होती और ये उनके माँ बाप बेचारे बोले थे उनके कमरे में गए बिजोरी है तो उसने वो सलाह के लिए अजा के पीछे से उनको मारा चाहिए इस तरह से वो भाग गए जोड़ी के साथ और वो बड़ी दुखी पत्नी बेचारी किसी सारी जरूरी नहीं मुझे तो शक्ति आ गई उन्होंने उनको तो जो मनुष्य प्रेम में बैठा है उसका संरक्षण भी है और उसके संरक्षण की उसके पास शक्ति आ गई कोई उसको छुए और कोई उसे बता रहे क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा के प्यार का ये सर जो कि हाथ दे और आप आत्मा ऐसे आप आत्मा को देखें तो आपको आश्चर्य बहुत से लोग रहते हैं मेरे आत्मा हमारा आत्मा विश्वास हम सर जो के और फिर दूसरा भी गुरु आया उसके पास देखा जाए कि मैंने देखो मैंने सहयोग किया तो नहीं मैं उसके बाद गए था एक पाप आप नंबर के रूप में रखे और एक पाप सहज भी ना ले तो हम आपको कैसे बताए लेकिन इतना संरक्षण होता है इस कलर छोटी छोटी चीजों अनेक अपने यहाँ चमत्कार हो चुके हैं और लोग बताते हैं कि मां इसमें पता नहीं हमने क्या किया जो भगवान ने हमें ये सब जागरूक हो जब कुंडली का जागरण हो गया ये सब जागरूक हो गए आपके प्रदृष्टि आ जाती है आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है आप युगी चमक जाती है आपका चरित्र सुंदर होता है आपके धन जागता है आपके नई नई कल्पनाएं कल्पनाएं मस्ती नए नए शरीर के स्वर्ग करते और एक नया व्यक्ति एक नई हस्ती तैयार सबसे बड़ी बात ये कि आप उसका व्यक्त आप उसका प्यार उसका मजाक ये वो किसी देश देश की कौन या इसके कोई मतलब नहीं कोई काला हो तो बोला हो तो कहना किसी के लिए मतलब नहीं वो जरूरी है अभी एक काम हमारे भाजी है उनके माँ बाप जाए घर अपने लड़का के उनका तो घटे महत्व हो जाए बेटा तो लंदन में आ जाए घर में जाए तो बच्ची का लंदन जाए लंदन में आए पार हो पहले हर साल हम आपको जाते थे पार नहीं हुए माँ तुम्हारे पास आ गए तो मैंने कहा ये बात है हर में जो है वो भी मकेश्वर सिंह है वो भी ऐसी ऐसी बात है लेकिन हाँ उनसे तो पार नहीं हो तो पार तो उसे होना है और आप तुम को बचा इसी प्रकार हर एक घर में मनुष्य जो है वो सोचता है कि यही करना ठीक है वही करना ठीक है वो जो करता है ठीक है पर उसका कोई परिणाम नहीं उसका कोई फल नहीं और उन्होंने कहा कि वहां तो शिव इतनी पूजा करते हैं
पहले हम किसी का नहीं समझते हैं और हमें कुछ समझ गवर्नर को मिलना हो और आप उसका नाम लेते लेते उसके दरवाजे पहुंचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। ये तो गवर्नर के गवर्नर के गवर्नर के सारे यहाँ के राजाओं के राजाओं के राज उनका नाम ऐसे लेते हो जैसे उनके पास जेल में और उनको आप पुकारते अल्लाह 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 ऐसे कहने से होगा और इसका नाम लेते गाजियाबाद से और चाहते हैं कि हमें साम्राज्य देखिए आपके किसी हाथ में होती है आपका सम्मान होता है और यही भी आज गलतियां भी करते हैं हाथ से तो लगी नहीं हाथ से तो लगी नहीं बात ये कुछ बात थोड़ा सा मामला बस जब वो सही आते बजाने लोग बात कर रहा है आपने सजों को स्वीकार किया इसको मारा और इसका जो आपको फल मिला वो खुद ही नहीं खाया सबको बांटा और उस बात में आपने एक खेल का हाथ हो क्या रहा है कि हर जगह आपको सबको के बारे में गली के बारे में सब बड़ा सुंदरता से बताया तो उस समय क्या था आप जो कभी खेल में जा रहे हैं सब पूछा और मैंने जो बात कही वो सच ही है कि आप जब सजग में आ जाए तो एक खेल दृष्टि हम संसार करें बना कर करें और अपने को भी जागरूक आप जानते हैं कि ये सामूहिक कार्य करना है इसमें ये नहीं कि आप अलग से एक पूजा करता हूँ तो भी ऐसे बैठ कर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं माता की जी का जो पूजा करने से सब बात कर रही है गलत सब आप कोई भी जाति कोई भी हो सब वो स्वर्ग में एक मात्र कार्य करते हैं इसके लिए उसी में फिर आप समझ के आपके कोई दोष है और दूसरे में कोई दोष है आप जो अच्छे चक्र है उसे मदद करते हैं और उसके जो अच्छे चक्र है आपको सामूहिक कार्य सब चीज ठीक होता है जैसा राम शरीर में करते हैं एक छोटी सी सुई टूट जाए तो फौरन सारा शरीर वहां लौटता क्योंकि ये सारा शरीर है सामूहिक इसी प्रकार से जो भी एक सामूहिक है हो जाए आप हिंदुस्तान में हैं इंग्लैंड में हो अमेरिका में हो रशिया में हो कहीं भी हो हम सब एक एक महान शक्ति के अंग होते हैं और जब हम एक हो जाते हैं जैसे भूख सागर हो जाता है
उसी प्रकार एक दूर में एक भारत शक्ति अपने गौरव को जानो, अपने शक्तियों को जानो, और उसको जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या और देर होगी अगर आने के लिए आप जाके कुछ लोग आगे तो देर होगी भावना और उस माहौल में एक तरह का नया वातावरण करता अंदर से आती है और उसे प्रदार में ही संचालित करते एक तैयार एक बात है इतनी मुझे देर होती है इतनी जल्दी आपको पार करें क्या होता है लेकिन सही बात नहीं है हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भी जल्दी पार करते हैं लेकिन जब मैं देश का पहुंच तो और भी प्यार होता है पता नहीं कैसे भी होता है और गाजियाबाद में आप देखिएगा कितनी जल्दी आप लोग पार और फिर कहने का है कि जिनको स्वर्ग में नहीं आना है या जो स्वर्ग में नहीं जाना चाहते या जो विदेश जाना नहीं चाहते उसमें कोई भी जबरदस्ती हम नहीं करते जबरदस्ती कोई क्योंकि जीवित किया है और जीवित क्रिया जबरदस्ती नहीं करता इसे उसको उसकी इच्छा हो कि वो जागरण पाए और आत्मसाक्षात्कार पाए ऐसे ही लोग बात हो सकते हैं और इसलिए मैं उन लोगों से विनती करूंगी कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया बाहर जाए वो कृपया चले शुरू करती क्योंकि पांच दस मिनट के बाद लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं उसमें जबरदस्ती नहीं होती अब दूसरी बात ये कहनी है कि एक हम लोगों में सब कहते रहते कि तूने ये बात किया वो बात किया ऐसा किया ऐसा किया तो एक आदतन हम लोगों में अपने पर दोष लेने की और मनुष्य कहता है कि मैंने ये गुनाह किया मैंने वो गुनाह किया मैंने ये बीमारी पते हो जाता है हिंदुस्तान में अब अगर कुछ हो गया तो हो गया उसको भूल जाना चाहिए उसको परमात्मा का लेकर के अर्थ चलाने की जरूरत फिर आपको इंसान है आपको भगवान है गलती तो होने की उसमें अपने को पूरी समय रोने के पाया तो सबको चाहिए आप लोगों को आप पहले अपने को पूरी तरह से माफ कर मैं कहती हूँ क्या अपने को माफ आपने कोई ऐसी गलती नहीं कि जो इस पर पिता परमेश्वर के देव के सामने हो सके क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर है ये देव का सागर है लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा करता है और आप किसी भी गलती करें तो ये क्षमा पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कैसे सारी गलतियां एक वक्त में इस कारण इसलिए पहले आप लोग अपने को क्षमा करें और अपने प्रति प्रसन्न दूसरी बात एक और है कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं आप दूसरों को भी क्षमा अब उसमें ऐसा है बहुत से लोग जब हमारा मुश्किल है क्षमा अरे आप करते हैं क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं आप करते हैं दोनों चीजें जहाँ क्षमा करें या न करें जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते हैं गलत लोगों से चले जाते हैं और इन्होंने आपको बताया तो सुख में बैठे और आप अपने को दुख में डाल जाए तो एक ये महान झूठ और इस झूठ के पीछे अपने को बर्बाद आप मत करें क्योंकि आप सत्य को खोज रहे हैं इसलिए कृपया
आत्मा को एक समान करती है उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सोचने लायक नहीं और सोचने से आपको सरगत हो जाएगा बेकार। इसलिए एक साथ हमने सबको माफ है, साथ में माफ करते हैं, साथ में लोगों को माफ करते हैं, सबको माफ करके आगे क्या लेना देना, उसको जैसा रहना रहेगा, अपने को क्या करना, उससे नाराज होने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह से आप जो अगर माफ कर रहे तो हो सकता है परमात्मा उनको ठीक कर। आपको दुबारे जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, उठे बनने की जरूरत नहीं, सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वही आप पास। सिर्फ अपने ऊपर श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास, मैं जरूर पार हो जाऊंगा, बस और अगर गर्म हवा आ रही है
사람도 얘기하시면 너무 많으시면 이야기 들어보고 마세요. 그거까지. 아마 넥타이예요. 근데 나는 이렇게 중국이 인이어서 그렇게 못해, 유자치어서 그렇게 말하지어서 그렇게. 바로 난 넥타이예요. 소피주방에 나이탈도 있지. 이 탈이 이야기가 나와요. 나쁘게 넥타이, 역시 아주 강력해. 아티도 역사시켜야지, 헛, 얼, 돈, 이, 어버리시오. 아티도, 아티가 피해지지도 몰라. 또, 음악에 역시 아래 주체가 되겠지. 앞에게 미쳤어. 아, 이렇게 읽어.
ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए कमान सारा गाजियाबाद कमान सबको हमेशा आशीर्वाद हाथ नीचे कर दीजिए। कमान क्या करें आप लोग, आप ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे एक मार्ग पे आप साधु हो गए, योगी जन हो गए और आप सब योगी जनों को मेरा नमस्कार। Thank you.